नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां बस वोटरों को लुभाने में जुटी हैं। इस बीच हिंदी खबर की टीम हरदोई पहुंची और निकाय चुनाव को लेकर शहर की जनता का मिजाज समझा। क्या है जनता की राय, आपको भी सुनाते हैं। निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से कैंपेन कर रही हैं। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू है। हम इस वक्त मौजूद है हरदोई जिले में। आइए यहां की जनता से जानते हैं इनके मुद्दे क्या हैं, आखिर ये इनके बीच लोगों में क्या माहौल बन रहा है और इस बार किसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो हमारे बीच इस वक्त कई लोग मौजूद है यहाँ पर, कई लोग सुबह का वक्त है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है? जानवर वाला है सबसे बड़ा मुद्दा। सर आप बताइए, आपके लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? चुनावी माहौल देखते हुए देखा जाए तो लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार को लेकर के बहुत ज्यादा मुद्दा रखा है। सर आप बताइए, आपके लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? हाँ, बेरोजगारी दूर हो लगा। सर आप बताइए। ये जानवरों की समस्या है शहर में, जानवर बहुत घूमते हैं। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, गरीब आदमी को गरीब कर रही है सरकार। सब ठेका पे पूरा कर रही है गवर्नमेंट, पूरा जो है नौकरी सब ठेका पे कर रही है। बड़े आदमियों को ज्यादा बड़ा कर रही है, गरीब आदमी को गरीब कर रही है और पूरा प्राइवेट कर रही है। तो इसे बेरोजगारी जा रही है। जिसको तनख्वाह पहले मिलती थी 25,000, अब उसको 5,000 में वही ठेकेदार काम करवा रहा है। जैसे रेलवे स्टेशनों पे सफाई कर्मी पहले गवर्नमेंट के लगते थे, इससे पूरा देश का भंडा फोर हो जाएगा। क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा प्राइवेट आदमी भाग जाएगा और परमानेंट वाला काम करता है, और मरते पूरा ट्रेन में मरते पड़े रहेंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी बात को सरकार तक पहुँचाया जाए, निजीकरण नहीं होना चाहिए और जो हमारे नौजवान हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो अभी तक होता आया है, हर देश में हो रहा है, केवल भारत में ही ये गलत काम शुरू हुआ है। जैसे अग्निवीर हैं वहाँ भाग रहे हैं, जाइए पता बॉर्डर पर कीजिए, बोलते हैं वहाँ एक जैसे बोलता है आप जाइए बॉर्डर में, नहीं जाऊँगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं अग्निवीर हूँ, 4 साल ले आया हूँ, देश की सेवा क्यों करूँ? ये बात को वहाँ तक पहुँचाइए आप। ठीक है सर, आप बताइए आपके लिए इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। सर आप बताइए, आपके लिए इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा? महंगाई और भर्तियां सब आउटसोर्सिंग पे हो रही हैं, ये भी बहुत गलत है। सर आप बताइए। नगर में जो है सीवर लाइन होनी चाहिए और जो है नगर का विकास होना चाहिए और उद्योग धंधे लगाए जाए, जिससे बेरोजगारों को जो है रोजगार मिले और सर्विस मिले, यही सबसे जो है मुद्दा है बड़ा हरदोई का। और जो भी आइटम या लगाए जाए, जो भी किया जाए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। गुणवत्ता होती नहीं है, 2 साल 6 महीने में सब बर्बाद हो जाता है, पैसे का मिसयूज होता था। ऐसे यहाँ एक सीवर प्लांट लगा हुआ है, एक दिन भी उसमें पानी नहीं चला और 50-20 लाख रुपए के उसमें जो है घोटाला हुआ है। रुपए की बर्बादी। अब लगा तो दिया लेकिन चालू नहीं है, क्या करें इसका? आइए अब हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं हम पीछे कई नौजवान भी हैं, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आप कैमरा थोड़ा इधर घुमा लें। सर इस बार आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है निकाय चुनाव में? बेरोजगारी है, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, सारी ठेकाए पे जा रही हैं नौकरियाँ, क्या करें? सरकारी लोग काम नहीं करते, बेरोजगारी लोगों को काम पड़ रहा है ज़्यादा, और उम्र बीती जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही, लोगों को परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, यही है। तो निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? अब महंगाई है सबसे बड़ी मुद्दा, बस यही है मैन, क्योंकि महंगाई है तो आदमी समस्याएं कम है, महंगाई ज़्यादा है तो उसी कारण फिर बेरोजगारी बढ़ रही है, सारी सुविधाएं खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, सरकारी कम है, यही मुद्दा। सर आप बताइए, आपके लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे यहाँ जो माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार के जब से मुख्यमंत्री जी बने, तब से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का सफाया हो रहा है और जो गुंडई होती थी, अपराध होते थे, उस पर अंकुश लगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय निकाय के यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं श्री सुख सागर मिश्रा मधुर भारी बहुमत से जीतेंगे। ये हरदोई में हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी नंदा और हरदोई के माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी, माननीय नितिन अग्रवाल जी जो यहाँ पे जो विकास कार्य कराया है हरदोई में,
उसी कारण से पूरा शहर की जनता में एक भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो माननीय नितिन अग्रवाल ने जो विकास की धारा बहाई है वो एक कीर्तिमान है। अभी जो अमृत योजना के तहत पूरे शहर में पानी देने की बात है, घर घर पानी देने की जो माननीय मोदी जी की योजना है, उस पर थोड़ा सा ये हुआ है कि जो उस पर जनता में जो जल निगम के द्वारा बनाई जा रही थी वो सड़कें टूट गई हैं। हालांकि उनको माननीय मंत्री ने कहा है चुनाव के बाद उनको ठीक कराया जाएगा, और ये हरदोई से जो भाजपा प्रत्याशी है पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी हरदोई शहर से। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे कई और लोग भी मौजूद हैं, आपसे जानते हैं, आप बताइए इस बार सबसे ज्यादा निकाय चुनाव में आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा मैम बेरोजगारी का है। हम लोग पाँच साल हो गया बीएड किए हुए, तब से कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई यूपी में। टेट सीटेट सब कुछ क्वालिफाई घूम रहे हैं, कोई भर्ती ये लोग नहीं कर रहे हैं। कोई भी भर्ती हो सबसे पहले कोर्ट में पहुंच जा रही है। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी महंगाई यही मुद्दे हैं चुनाव में। हरदोई के विकास के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हरदोई का विकास मैम देख रही है सब हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेज बन गया, यहाँ आप चले जाएंगे एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको जी, एक भी डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग बनी खड़ी है लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। तो यही सब समस्याएं हैं जी हरदोई के। देखिए सुबह का वक्त है और हमारे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं भी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनके बीच इनके क्या मुद्दे हैं और इनको हरदोई के विकास के रास्ते पर क्या क्या चीजें चाहिए। मैम आप बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है इस बार निकाय चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिलना चाहिए, हमको घर मकान होना चाहिए। गरीबी में हम लोगों के साथ में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, हमें यही सहयोग चाहिए कि भाई बच्चों को सर्विस मिले, हम लोगों को घर मकान मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात। हम दुकानों में रहते हैं और दो दो तीन तीन बच्चे हैं, हम कैसे पालते हैं वो हमको जान मालूम है। मजदूरी आदमी कहाँ तक करता है, संविदा की नौकरी है उनमें भी पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, यही हम लोगों को कष्ट हो रहे हैं कि और सबको सब कुछ मिलता है तो हमको भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए भाई, सब सहारा होना चाहिए। मैम आप बताइए आपके लिए सबसे बड़ा इस बार निकाय चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला हरदोई के लिए? हरदोई के लिए अच्छा विकास हो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ा विकास हुआ ज्यादा नहीं हुआ है। रोड ले तो कहीं बना नहीं गली में, रोड मकान बन गया, रोड के नाली के सुविधा कोई सुविधा नहीं है। वोट आता है तो वोट दे हाई सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, कोई सुविधा नहीं। बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या करेंगे। सर इस बार निकाय चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि हमारा नगर स्वच्छ रहे, अच्छे पार्क बने, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम बने और कुछ ऐसे विद्यालयों की स्थापना नगर पालिका की तरफ से हो कि हमारे बच्चों को आगे पढ़ने में सहूलियत मिले। वर्तमान में सर आप हरदोई की स्थिति कैसे देखते हैं? लगभग सही है, स्वच्छता तो खैर है लेकिन सड़कों पर जो अतिक्रमण है या जो कुछ एजेंसियाँ हैं जैसे गैस पाइपलाइन बिछा दी या पानी का व्यवस्था कर दी, वो गड्ढों को छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी व्यवस्था थोड़ी बढ़ जाती है। कहीं पड़ी तरह एक और व्यवस्था यहाँ समस्या है, यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत रहता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके लिए नगर पालिका जो नए अधिकारी बने, जो नया जिनका चयन हो, वो कम से कम नगर इस व्यवस्था पर ध्यान दें। मैम आप बताइए कि महिलाओं के बीच इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और क्या, हमारे यहाँ रोडें कहीं बनी है कहीं नहीं बनी, बहुत ख़राब हो गया हमारे उधर तो, बहुत ख़राब रोड है और अभी कोई पाइपलाइन नहीं बिछी है और जो पाइपलाइन और भी ख़राब हुई। मैम आप बताइए आपके लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा निकाय चुनाव में क्या? लगभग तो सब सही चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, अब तो कोई दिक्कत तो खैर नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा भी अच्छी है, सड़कों का विकास होना चाहिए, सड़कें बहुत टूटी हुई हैं और गड्ढे हैं जगह जगह पे जिससे चलने में या एक्सीडेंट की ज़्यादा खतरा है, सड़कों का विकास होना चाहिए। महिलाओं के लिए हमारी दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुरक्षा व्यवस्था सही है, बढ़िया है, योगी जी का शासन बहुत बढ़िया है, सुरक्षा हम लोगों की बहुत अच्छी है। रोड ही खराब अपने हैं, हरदोई सबसे अच्छा है, हरदोई सबसे अच्छा है और क्या। मैम आप बताइए आपको क्या लगता है? नहीं मुझे भी रोड की ही दिक्कत है,
जब हम लोग आते हैं वहाँ से अपने घर से चलते हैं तो कहीं ऊंची नीची सड़क पर मुड़ जाते हैं, कहीं कुछ दिक्कतें होती हैं, ये सब सही होनी चाहिए व्यवस्था। और बीच बीच में जो ये जानवर घूमते रहते हैं, कहीं सांड होता है, इनके लिए जरूर कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि जगह जगह इतना डर लगता है, फिर सड़क इधर चेंज की फिर उधर साइड चेंज की, यही कर करके आ पाते हैं हम लोग, इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। बेड़ी माता के पास में कूड़ा बहुत पड़ता है, उसको रोज इसकी सफाई होनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ हरदोई की महिलाएं, और हमने सभी से जनता से पूछा कि उनके बीच निकाय चुनाव के क्या मुद्दे थे। समीक्षा दीक्षित, हरदोई, हिंदी खबर।